मैं अप्रीशिएट करता हूँ उन तमाम वॉलंटियर्स को जो कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में अपनी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं। यकीनन सोशल कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा इस कॉज के साथ अटैच जब से मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने एक लेवल चेंज किया और इस ऑर्गेनाइजेशन को एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए। इन वॉलंटियर्स को इकट्ठे रखा कोविड के दिनों में भी, कोविड के दिनों के बाद भी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो JZT जो है इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज हो गया है और थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने इसको रिकग्नाइज कर लिया है और हम बड़ा क्लोजली उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के हवाले से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए ताकि जैसे पोलियो और बाकी बीमारियों को सीरियसली गवर्नमेंट लेवल पे इसको टेकअप किया गया है, इसी तरह थैलेसीमिया को भी सीरियस लिया जाए। अभी तक उस तरह की सीरियसनेस नहीं है इसकी अवेयरनेस के हवाले से, तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक कि थैलेसीमिया पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो। मैं ग़ुलाम दस्तगीर को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लास्ट मीटिंग मैं अटेंड नहीं कर सका जो थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ मीटिंग थी, वो आपको अपडेट करेंगे कि उसमें क्या अपडेट्स हैं उसके हवाले से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत सारा काम जो कि इस पूरे साल में किया गया है उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। स्पेशली मैं शहराम तरकई साहब का इस फोरम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने एट क्लास की टेक्स्ट बुक में थैलेसीमिया की अवेयरनेस के हवाले से एक चैप्टर इंक्लूड किया है। इससे इंशाल्लाह मासेस को स्टूडेंट्स को थैलेसीमिया के हवाले से पता चलेगा।